अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हमारा IPv4 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 10 है। अगर प्रीवियस 9 लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ये मैं ऊपर भी लगा रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर लें, उसके बाद इस वीडियो पर वापस आ जाइएगा। तो आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम कवर करेंगे सबनेटिंग। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्लास फुल और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग का इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया था कि इनमें क्या फर्क होता है, और क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के कॉन्सेप्ट हैं जिनमें से फिलहाल हम अभी सबनेटिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबनेटिंग शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको पहले बता देता हूँ। सबनेटिंग में अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आएंगी, उनके लिए अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। कभी आपको FLSM, जिसको फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्किंग कहते हैं, ये करनी पड़ेगी। कभी VLSM, जिसे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग कहते हैं, वो आपको करनी पड़ेगी। अब ये सारी टर्म्स क्या हैं, जब आप सबनेटिंग को डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबनेटिंग के दौरान मैं आप लोगों का एक क्विज भी लूंगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और जो लोग मुझे उसका ठीक सोल्यूशन सेंड कर देंगे मैं अपना ईमेल आईडी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो जिन लोगों का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा, अगर बहुत ज्यादा लोगों का जवाब ठीक आया तो उनमें से फिर हम बैलेट कर लेंगे। जो दो लोग होंगे उनको मैं कोई ना कोई गिफ्ट जो है वो उनके एड्रेस के ऊपर डिस्पैच करूंगा। गिफ्ट क्या होगा उस पर भी नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे। बहरहाल सबनेटिंग का एक हिस्सा क्विज से पहले है और एक हिस्सा जो है वो क्विज के बाद हम करेंगे, ठीक है जी। तो एक लेक्चर नहीं है, मल्टीपल लेक्चर्स होंगे, 2 से 3 लेक्चर जो हैं वो इस सबनेटिंग के ऊपर हम करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहरहाल थोड़ा सा लेंथी है, तो चले जी मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं और सबनेटिंग को सीखना शुरू करते हैं। ओके जी, तो सबनेटिंग की कैलकुलेशंस को समझना शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको पहले बता दूं, सबनेटिंग करने के बहुत सारे दुनिया में तरीके मौजूद हैं, इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स भी हैं, कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो थोड़े से लेंथी हैं। हर शॉर्टकट की ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होती है, आप कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। जो मेथड मैं आपको करवाने जा रहा हूँ है तो थोड़ा सा लेंथी, इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट आते हैं, बिल्कुल ठीक आते हैं, ठीक है जी। अक्सर हमें शॉर्टकट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभार जब नंबर ऑफ सबनेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ये जो मेथड मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम शॉर्टकट्स को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन आगाज़ जो है वो शॉर्टकट से नहीं होना चाहिए, जो इसका एक प्रॉपर मेथड है जो बिट्स लेवल के ऊपर जाके आपको सिखाता है कि सबनेटिंग में बिहाइंड द सीन चल क्या रहा होता है। सबनेटिंग का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो आपको इस मेथड से समझ आ जाएगा। एक दफ़ा जब आपको बिट्स के लेवल के ऊपर कहानी समझ आ जाए उसके बाद फिर आप इसके खुद भी बहुत सारे शॉर्टकट जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं। एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि सबनेटिंग का कोई क्वेश्चन आपके सामने लिखा हो तो आप जुबानी कैलकुलेट करके बता देते हैं जी इसके इतने सबनेट्स बनेंगे और ये सबनेट्स बनेंगे, ठीक है जी। तो चलें हम आगाज़ करते हैं, और ये मेथड मैं पहले बता दूं थोड़ा सा लेंथी है। और दूसरी अहम बात, तो ये जो सबनेटिंग की कैलकुलेशंस हम सीखने लगे हैं, याद रखिएगा इसको इस तरह से सीखने की एक रीज़न एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास किसी किस्म का कोई कैलकुलेटर मौजूद नहीं होता, आपको मैन्युअली सॉल्व करना होता है और आपने आंसर करना होता है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हमारे पास आज तरह तरह के आईपी कैलकुलेटर्स, सबनेट कैलकुलेटर्स मौजूद हैं, इनकी मोबाइल ऐप्स भी आपको मिल जाती हैं, तो इजीली आप उनको यूज़ करते हुए सबनेटिंग को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनको भी प्रॉपरली वही लोग यूज़ कर सकते हैं जिन्हें सबनेटिंग की कोई बेसिक्स पता हो, ठीक है जी। अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होगा तो आप उनसे भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो चलें जी एक सिनेरियो आपके सामने बनाता हूँ और उसको ज़रा सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोई एक कंपनी है जिसका एक लेट से ये हेडक्वार्टर राउटर है, ये उनका एक ब्रांच नेटवर्क बना हुआ है और इनकी इस ब्रांच में तकरीबन मैं कहता हूँ 250 के आसपास यूजर्स हैं। तो इनको तो अगर क्लास सी का एक नेटवर्क दे दिया जाए 192.168.1.0/24, ठीक है, आपको पता है क्लास सी के एक नेटवर्क में 254 आईपी एड्रेसेस होते हैं, तो इनकी तो बड़े आराम से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी ये जो भी कंपनी है ये अपनी दो नई ब्रांचेस जो है वो ओपन करती है, एक ब्रांच ए और एक ब्रांच बी, ये दोनों ब्रांचेस का राउटर आ गया, ये उनका लोकल एरिया नेटवर्क या ब्रांच नेटवर्क। ब्रांच ए में मैं कहता हूँ जो यूजर्स हैं ना वो तकरीबन कोई 110 के आसपास हैं, और ब्रांच बी में यूजर जो हैं वो लेट से 120 हैं, 110 यूजर्स एक तरफ, 120 यूजर्स एक तरफ, ठीक है।
आपको अब इनके लिए दो अलग अलग नेटवर्क्स चाहिए, ठीक है जी। ब्रांच ए के लिए भी नेटवर्क चाहिए, ब्रांच बी के लिए भी चाहिए। आपको याद है ना नेटवर्क से क्या मुराद है? नेटवर्क नेटवर्क आईडी से शुरू होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी तक जाता है और दरमियान में आईपी एड्रेसेस होते हैं। तो मुझे ब्रांच ए के लिए भी आईपी चाहिए और बी के लिए भी चाहिए और दो अलग अलग नेटवर्क चाहिए। भाई अब तक जितनी आईपी एड्रेसिंग हमने पढ़ी है वो तो क्लास फुल थी, और क्लास फुल की अगर बात करें तो क्लास ए बी और सी में से ही अगर आपको नेटवर्क का सिलेक्शन करना है तो आप तो क्लास सी का ही सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि 110 के करीब तरीन तो क्लास सी का नेटवर्क होता है जिसमें 254 आईपी है। तो क्लास सी का एक नेटवर्क आप ए को दे दें और क्लास सी का एक नेटवर्क आप बी को असाइन कर दें। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि 254 में से 110 आईपी तो ब्रांच ए में यूज हो जाएंगे, बाकी जाया होंगे। सिमिलरली 254 में से 120 आईपी आप ब्रांच बी में यूज कर लेंगे, बाकी जाया होंगे। तो आईपी एड्रेसेस तो बचाने हम निकले हैं, उनको जाया होना ही से तो हमने बचाना है। तो ये इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। हमें देखना चाहिए कि अगर ये आईपी वेस्ट होने से बच सकते हैं तो इन्हें किसी तरीके से बचा लिया जाए। उस सिलसिले में हमारे दिमाग में यही आता है कि कोई ऐसा नेटवर्क हम उठाएं जिसको हम डिवाइड कर दें और छोटे छोटे उसके सब नेटवर्क्स बना दें। यानी कोई ऐसा नेटवर्क हमारे पास आ जाए जिस जो 110 यूजर्स के करीब करीब या 120 के करीब करीब उसके अंदर नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हों। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल जी, सबनेटिंग में यही तो काम हम करते हैं। सबनेटिंग क्या है? एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना। सबनेटिंग में हम क्या करते हैं, एक बड़ा नेटवर्क पकड़ते हैं, उसको छोटे छोटे सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं। और वो जो बड़ा नेटवर्क है वो आता कहाँ से है? वो बड़ा नेटवर्क आमतौर पर क्लास ए से ही आता है, बी से आता है या सी से आता है। याद रखिएगा, ये जो क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने लगे इस वक्त, या सबनेटिंग की जो कैलकुलेशंस करने लगे, ये कुछ बिल्कुल ही नया नहीं दुनिया में हो गया था। वही आईपी एड्रेसेस जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, वही क्लास ए बी और सी थी, उन्हीं को यूज करते हुए हमने उन्हीं को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वो एक नेटवर्क जिसको आप तोड़ना चाहते हैं वो आम तौर पे क्लास ए बी और सी से ही आता है, ठीक है। एक दफा अभी जो पहले चंद सवाल हैं या एग्जांपल्स हैं वो हम इसी तरह से करेंगे। बाद में कुछ और नेटवर्क्स भी हम ले आएंगे जिनको आप फर्दर डिवाइड करके छोटा बना सकते हैं, छोटे छोटे सबनेट्स बना सकते हैं। फिलहाल क्लास ए बी और सी पे फोकस करना है। अच्छा, अब लेट से आपने कहा जी एक बड़ा नेटवर्क पकड़ के तोड़ दें, तो मैं क्लास ए से एक नेटवर्क उठा लेता हूं। क्लास ए के पास वैसे नेटवर्क्स कितने हैं? 126, और साइज क्या है? 16.8 मिलियन। तो क्लास ए का एक नेटवर्क उठाएं 16.8 मिलियन वाला, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, क्योंकि आपको तो दो छोटे नेटवर्क्स चाहिए ना। अच्छा, दो छोटे नेटवर्क से मुराद आपको दो छोटे सब नेटवर्क्स चाहिए या सबनेट चाहिए। तो हमारी सबनेट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है जी? दो, हमें दो सबनेट चाहिए। तो क्लास ए का नेटवर्क 16.8 मिलियन दो हिस्सों में डिवाइड करें तो 8.4 मिलियन वाले दो सबनेट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी भाई। 110 आईपी आपको ब्रांच ए में चाहिए और आपको सबनेट किस साइज का मिला? 8.4 मिलियन, और आप 110 आईपी सिर्फ उसमें से इस्तेमाल करेंगे तो बाकी का 8.4 मिलियन तो जाया होगा ना। तो इससे अच्छा ये नहीं था मैं क्लास सी का ही नेटवर्क साइन कर देता, उसमें तो सिर्फ 254 आईपी थे। चलिए और सोच लेते हैं, क्लास बी का एक नेटवर्क पिक कर लें आप, वो उसमें 65,534 आईपी होते हैं ना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, उसके दो सब नेटवर्क्स बना लेते हैं। तो 65,534 जब दो में डिवाइड होगा तो 32,000 समथिंग वाले दो आ जाएंगे ना आपके पास। तो आपको 110 और 120 आईपी चाहिए एक तरफ, आउट ऑफ 32,000 समथिंग, ठीक है। तो ये कुछ जरूरत से ज्यादा आईपी नहीं आपको मिल गए, आपने इस्तेमाल तो सिर्फ 110 करने हैं। तो इससे अच्छा तो फिर वही था, आप क्लास ई का नेटवर्क यूज कर लेते, ठीक है। तो ये क्लास बी वाला भी आइडिया को इतना ठीक नहीं लगा, तो क्लास सी में जरा चलते हैं। क्लास सी का में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने जी? 2097152। मैंने कहा था ना ये 2.1 मिलियन के आसपास नेटवर्क्स हैं, ठीक है। एक नेटवर्क का साइज कितना होता है? 254। क्लास सी के एक नेटवर्क को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो समझें 250 को दो हिस्सों में अगर तकसीम किया जाए तो 125 के करीब दो सब नेटवर्क्स आ जाएंगे आपके पास। ये कुछ जरा सेंसिबल लग रहा है, यानी एक छोटा सा नेटवर्क हो जिसमें तकरीबन 125 के करीब आईपी एड्रेसेस हो, एक आप उनमें से ये ब्रांच ए को असाइन कर दें और एक आप ब्रांच बी को, 125 आईपी इधर और 125 आईपी इधर। तो ये करीब तरीन ऑप्शन लग रही है, ठीक है।
ये आइडिया कुछ बेहतर है, सही है। अब सबनेटिंग के ना जो कैलकुलेशन है, मैंने इसको 6 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो मेथड मैं यूज कर रहा हूँ। इसे आप ये ना समझिए कोई स्टैंडर्ड मेथड है, ये इसकी कोई RFC डिफाइन हुई हुई है कि जनाब ये 6 स्टेप्स होने चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं है। मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, आप लेटर ऑन जब समझ जाएंगे तो आप अपने तरीके से, इसमें से आपको लगे कि कोई स्टेप ऐसा है जिसे बाईपास किया जा सकता तो आप कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरी तरतीब कुछ ऐसी होती है, तो स्टेप नंबर 1 ये होगा, उसमें मैं कहता हूं जी सिलेक्शन ऑफ बेस नेटवर्क ID। सबसे पहले आप अपने लिए एक बेस नेटवर्क ID चूज करते हैं, ठीक है। बेस नेटवर्क ID वो होती है जिसको आपने डिवाइड करना होता है, जिसको आपने तोड़ना होता है। एग्जाम्स वगैरह में ना ये बेस नेटवर्क ID आमतौर पे आपको दे दी जाती है, सीधा सीधा सवाल होता है ये बेस नेटवर्क ID है, इसके 2 सबनेट बना दो, ये बेस नेटवर्क ID है, इसके 4 सबनेट बना दो, ठीक है जी। तो बेस नेटवर्क ID अमूमन गिवन होती है, लेकिन अगर आप एक सिनेरियो खुद सॉल्व कर रहे हैं, खुद IP एड्रेसिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने तो अभी अभी मिलके फैसला किया है कि क्लास ABC में से अगर कोई नेटवर्क पिक करना है तो आप क्लास C में से करें। तो मेरी बेस नेटवर्क ID ये होगी 192.64.32.0/24। क्लास C का मैंने एक नेटवर्क उठा लिया आउट ऑफ 2097152, ठीक है भैया। आपका कोई भी और नेटवर्क पिक करने का दिल चाहता है आप कोई सा भी कर लें, तो मैंने ये वाला नेटवर्क लिख लिया, कोई खास वजह नहीं है, मेरा दिल कर रहा था मैंने ये वाला नेटवर्क नोट कर लिया यहां पे। अच्छा जी, अब दूसरा स्टेप, ये जो भी बेस नेटवर्क ID आपने खुद सिलेक्ट किया है या आपको दी गई है इसको बाइंडरी में लिख लें, ठीक है। ये जो भी बेस नेटवर्क ID है इसको आप बाइंडरी में लिख लें। हमारा गोल क्या है याद रखिएगा, हमने एक नेटवर्क को 2 सब नेटवर्क्स में डिवाइड करना, इतना सा काम है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा अल्टीमेट गोल है, और उसके लिए जो स्टेप नंबर 2 है वो ये है कि जो भी बेस नेटवर्क ID आपको दी है या आपने सिलेक्ट किया उसको बाइंडरी में लिख दें। तो ये मैं ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको बाइंडरी में लिख रहा हूं, 192 की बाइंडरी ये होती है। और बाइंडरी के कैलकुलेशन तो अब आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली होगी। ये जनाब 192 की बाइंड्री, देखें वो काम तो आनी थी और बहुत ज्यादा काम आती है IP एड्रेसिंग में। तो 64 कैसे लिखते हैं जी, 01000000.32001000.0 और 4th ऑक्टेट सारे ही 0 है, तो ये मैंने जनाब 4th ऑक्टेट को 0 कर दिया जी आपके सामने। जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ था मैंने उसको बाइंडरी में लिख दिया। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, सबनेटिंग के कितने स्टेप्स हैं जी कैलकुलेशन के जो मैं करवाने जा रहा हूं, टोटल 6 स्टेप्स हैं, 2 तो हो भी गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल अभी तक किसी को कोई भी मुश्किल पेश आई होगी, कोई भी चीज मुश्किल लगी होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें, सब कुछ आसान है। स्टेप नंबर 3, ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर 3 पे जाने से पहले ना मैं एक काम कर लेता हूं, ये हमारे काम अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा। ये जो मैंने बाइंड्री लिखी है ना इसको मैं ना मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये ना काफी ज्यादा भी रफ हो जाएगा, कुछ लाइंस वगैरह मुझे ड्रॉ करनी होंगी, इसके ऊपर काफी कुछ लिखना होगा, तो मैंने इसकी एक कॉपी अपने पास रख ली है जो अभी थोड़ी देर में काम आने वाली है। ओके जी, तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। अच्छा स्टेप नंबर 3 जो है ना, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, अक्सर लोगों को बड़ा मामूली सा लगता है कि ये तो इतनी कोई खास बात नहीं थी या इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि आपके सबनेटिंग का क्वेश्चन सही या गलत होने का जो फैसला है ना वो स्टेप नंबर 3 ही करता है। ये है तो बहुत ईजी सा, लेकिन आपने इसको ईजी लेना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा इसमें करना आपने क्या होता है, इसमें ना आपने मार्किंग करनी होती है कि जो बेस नेटवर्क ID आपको इस वक्त दी हुई है ना उसमें नेटवर्क बिट्स कितनी है और होस्ट बिट्स कितनी है, बस निशान लगा देना। और इसके लिए आपको कोई लंबे चौड़े हिसाब किताब की जरूरत नहीं है। ये देखें स्टेप नंबर 1 में जो बेस नेटवर्क ID लिखी हुई थी, लिखी हुई है प्रीफिक्स लेंथ उसके आगे, लिखा हुआ है उसमें कि इसमें नेटवर्क की बिट्स 24 है। बस ये जो आपने बाइंड्री लिखी है ना इस पे इसको हाईलाइट कर दें, तो मैं ये कर देता हूं जी, 24 बिट्स है ना नेटवर्क की, और हमेशा कॉन्टिन्यूटी आपको मैंने बताई थी नेटवर्क बिट्स तरतीब से हमेशा पहले लिखी जाती हैं और उसके बाद फिर होस्ट बिट्स होती हैं। जहां नेटवर्क बिट्स खत्म हो रही हैं वहां से फिर होस्ट बिट्स शुरू हो जाएंगी और एंड तक फिर होस्ट बिट्स ही चलेंगी। ये नहीं हो सकता
कि थोड़ी सी नेटवर्क बिट्स होंगी, फिर थोड़ी सी होस्ट बिट्स आएंगी, फिर नेटवर्क बिट्स वापस आ जाएंगी, नहीं। तो क्लियर कट दो हिस्से बनेंगे, पहला ऐसा नेटवर्क का, दूसरा होस्ट का। और मैंने कोई हिसाब किताब नहीं, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, ऊपर लिखा हुआ था नेटवर्क की 24 बिट्स हैं, मैंने वो नीचे निशान लगा दिए। और मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि नेटवर्क बिट्स जो हैं, नेटवर्क बिट्स ये 24 हैं और होस्ट बिट्स जो हैं वो 8 हैं, इंफॉर्मेशन को मैंने लिख दिया। ये जो स्टेप है ना, मार्किंग, इसको नाम दे दिया मार्किंग ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन, मार्किंग ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन, ये मैंने इसको नाम दे दिया। अच्छा, ये थर्ड स्टेप जो है ना, इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं आपको एक बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूँ। आप कभी ना कभी जिंदगी में किसी टेलर के पास तो गए होंगे कपड़े सिलवाने के लिए। आप जब टेलर के पास जाते हैं ना, तो आमतौर पर वो जो मास्टर टेलर होता है, आमतौर पर वो उस बिजनेस का ओनर भी होता है, ठीक है। तो मास्टर टेलर कभी खुद कपड़े नहीं सी रहा होता। अगर आपने उसको देखा हो ना, तो वो आपको कान में उसने एक पेंसिल लगाई होगी, दूसरे कान के अंदर उसने एक चौक रखा होता है, ब्लू से कलर का या येलो से कलर का, और एक टेबल के सामने वो खड़ा होता है। उसका काम होता है आपकी मेजरमेंट करना, और मेजरमेंट करने के बाद ना, जो आपने अपना कीमती कपड़ा सीने के लिए उसको दिया है, उस पर वो आपकी मेजरमेंट के मुताबिक मार्किंग करता है, निशान लगाता है उस चौक से। और उसके बाद जो है वो, अगर जितने प्रॉपरली वो निशान लगा देगा, मार्किंग कर लेगा, उसके बाद अगला काम होता है कपड़े की कटिंग का, वो भी वो खुद करता है। और जब ये दोनों काम ठीक से हो जाते हैं, उसके बाद वो आपके कपड़े को उठाता है और आगे अपनी लेबर के पास फेंक देता है, क्योंकि इससे आगे का काम तो मशीन चलाने वाला काम है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए होती, ठीक है। आपकी वो कटिंग और मार्किंग जितनी प्रॉपरली हो जाएगी, आगे का काम आसानी के साथ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, आपके कपड़े खुद बहुत अच्छे सिल जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल वही चीज यहां पे अप्लाई होती है सबनेटिंग में, स्टेप नंबर 3 की। आपने अगर मार्किंग ठीक तरीके से कर ली है, तो आगे का काम खुद बहुत आसान हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका सवाल ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब मैंने इसकी इतनी तारीफें कर दी है स्टेप नंबर 3 की, यकीन आपको अभी भी नहीं आना वैसे, ये क्या बात हुई थी, ये क्या इंपॉर्टेंस है, आपने वो जो लिखा हुआ था लिख के निशान लगा दिए। तो ये तो जब आपको मैं क्वेश्चन क्विज वाला दूंगा, ठीक है, और जब वो गलत होगा मार्किंग की वजह से, तो तब, और जिनका ठीक होगा मार्किंग की वजह से, दोनों को इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो चले जी, मार्किंग हो गई, निशान लगा दिया। स्टेप नंबर 3 का कोई टाइटल आप देना चाहते हैं तो आप लिख लें मार्किंग ऑफ नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन, ठीक है। भाई टोटल कितने स्टेप्स हैं, 6, 6 में से 3 तो हो भी गए, ठीक है, तो बाकी 3 रह गए। और अभी तक मेरा नहीं ख्याल सबनेटिंग में कोई आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई मुश्किल चीज है, बल्कि आपने तो टेक्निकली खुद तो किया ही कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसी को सीधा करके लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो आपको कहा था ना, बेस नेटवर्क आईडी तो आमतौर पर गिवन होती है आपको, तो अगर ये गिवन थी तो आपने इसको बाइंडिंग में लिखा, उसके साथ अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं किया। और ये भी लिखा हुआ था कि नेटवर्क बिट्स कितनी है और होस्ट बिट्स का अंदाजा भी आपको उसके साथ हो जाता है, नेटवर्क की बिटें अगर 24 हैं तो होस्ट की बिटें 8 हैं, तो आपने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया इसमें, ठीक है। अब हमारी बारी है, अब कुछ चीजें इसमें हम ऐड करना शुरू करते हैं। सबनेटिंग क्या होती है जी, सबनेटिंग में एक नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है, और ये करने के लिए क्या किया जाता है, नेटवर्क बिट्स को बढ़ाया जाता है, होस्ट बिट्स को कम किया जाता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि क्लासलेस आईपी एड्रेसिंग में दो तरह की कैलकुलेशंस हैं, एक सबनेटिंग और दूसरी सुपरनेटिंग। सबनेटिंग में आप नेटवर्क बिट्स बढ़ाते हैं ताकि होस्ट बिट्स कम हो जाएं, ठीक है, और सुपरनेटिंग उलट है, नेटवर्क बिट्स कम होती हैं, होस्ट बिट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं नेटवर्क की बिट्स को बढ़ाना है, यानी ये बिट्स जो है वो बढ़ जाएंगी, यहां पे कोई नंबर प्लस होगा, और जो नंबर यहां प्लस होगा वही नंबर यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क बिट्स बढ़ेंगी, होस्ट कम, नेटवर्क की एक बिट बढ़ेगी, होस्ट की एक कम हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 32 बिट्स रखना है ना, उससे आगे तो नहीं आप जा सकते। तो टोटल आपने नेटवर्क प्लस होस्ट का जवाब 32 ही आना चाहिए। तो इसको मेंटेन रखने के लिए जितनी बिट्स नेटवर्क में बढ़ रही है उतनी होस्ट से कम हो जाएंगी। अब सवाल ये है कि अभी हम कितनी बिट्स नेटवर्क की बढ़ाएं कि हमारे पास दो सबनेट्स आ जाएं। भाई रिक्वायरमेंट पता ना, दो सबनेट्स चाहिए, तो दो सबनेट एक को दो में डिवाइड करने के लिए नेटवर्क की कितनी बिटें बढ़ानी पड़ेंगी, ठीक है। इसके लिए ना एक फॉर्मूला है जो कि मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। अब ये स्टेप नंबर 4 होगा, ठीक है, चौथा स्टेप। अच्छा, ये फॉर्मूला ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है, ठीक है। लेट से मैं इसको यूं लिख देता हूँ, 2^n इज इक्वल्स टू कैपिटल n। अब कुछ लोग इसी को यूं भी लिख देते हैं, 2^n इज इक्वल्स टू s,
ठीक है जी, वट एवर आपने जो कुछ भी इसमें से आप यूज करना चाहें, बात एक ही है। तो मैं ये ऊपर वाली ऑप्शन के साथ जाऊंगा, ठीक है जी, 2^n = N। नाउ वट इज कैपिटल एन एंड वट इज स्मॉल एन, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। बल्कि मैं यहाँ पे ना ये टाइप कर देता हूँ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कैपिटल एन क्या है और स्मॉल एन क्या होता है, ठीक है जी। तो कैपिटल एन सिंपल है, नंबर ऑफ सब नेट्स, ठीक है जी, या कैपिटल एन डिफाइंस नंबर ऑफ सब नेट्स। अच्छा, हमारे केस में कैपिटल एन नोन है, हमें पता है भाई कितने सबनेट्स चाहिए आपको, दो, तो कैपिटल एन इज टू, तो ये हमें गिवन है। अच्छा, ये भी गिवन है, सारा कुछ तो गिवन है, जो दिया हुआ था उसी को लिखते चले जा रहे हैं। हमने अभी तक अपनी तरफ से कुछ खास हमने नहीं किया, ठीक है, अब कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, देखते हैं। अच्छा, इसके बाद अब आगे क्या है, स्मॉल एन जो है वो क्या होता है। स्मॉल एन जो है ना, स्मॉल एन डिफाइंस नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेटिंग, ठीक है जी। अच्छा, इस लाइन की ना कोई आमतौर पे समझ नहीं आएगी, अभी मैं बता दूंगा, शायद जेन में रह जाए, ठीक है। इन नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेटिंग, ये क्या बात हुई, इसका क्या मतलब है। तो मैं आसान लफ्जों में इसको लिख देता हूं, स्मॉल एन ये बताता है इंक्रीमेंट वैल्यू इन नेटवर्क पोर्शन एंड डिक्रीमेंट इन होस्ट। यानी आपने कहा था ना नेटवर्क की कितनी बिटें बढ़ानी है, उसकी कितनी बिटें कम करनी है, वो स्मॉल एन आपको बता देता है, ठीक है। अब ये जो ऊपर आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके ऊपर इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2^ स्मॉल एन होता है, कैपिटल एन अभी अभी आपने कहा जी 2 है, हमारे केस में ये 2 है, मैं 2 की पावर क्या रखूं, तो जवाब 2 आएगा भाई, 2 की पावर 1 रखेंगे तो आंसर आपका 2 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे केस में स्मॉल एन की वैल्यू क्या निकलेगी, 1, 2^1 करेंगे तो जवाब 2 आएगा। इसका मतलब ये है भाई, 2 सबनेट्स अगर आपने बनाने हैं तो आपको नेटवर्क में 1 बिट बढ़ानी पड़ेगी और होस्ट में 1 बिट कम करनी पड़ेगी, सिंपल हो गया। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे चले ना, वैसे तो हमें पता है 2^1 के बाद अगला नंबर क्या होगा, 2^2 होगा, 2 की पावर 1.5 या 1.25 नहीं हो सकता, या 1.25 भी नहीं हो सकता, क्योंकि या तो बिट होती है या नहीं होती। तो 2^2 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, 2^3 करेंगे, इसका जवाब जो है वो 8 आएगा, 2^4 करेंगे, जवाब 16 आएगा, ठीक है जी। ऐसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, आपको याद है नहीं सारे कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। तो एक चीज यहां पे समझ आ रही है कि भाई बिट या तो 1 बढ़ेगी, 2 बढ़ेंगी, 3, 4, 5, इसी तरीके से। तो नंबर ऑफ सबनेट जो है ना, यानी आप एक बड़े नेटवर्क को जब डिवाइड करते हैं, तो या तो आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं, या 4 में, या 8 में, या 16 में, या 32 में, या 64 में, ठीक है जी। ये तो ऐसा ही है, यानी आपके लेट से आपके जी मेरी तो ब्रांचेस 3 थी, मुझे तो 3 सबनेट चाहिए, ठीक है, या जहां भी आपको सबनेट्स की जरूरत है, आप कहते हैं मुझे 3 सबनेट चाहिए, तो 3 सबनेट तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप 2^1 वाली ऑप्शन में जाएंगे तो ये 2 होंगे, 2^2 करेंगे तो 4 आएंगे, या 2 आते हैं, या 4 आते हैं, या 8 आते हैं, 3 तो नहीं आते, ठीक है। तो इसमें करीब तरीन ऑप्शन तो जाहिर है 4 वाली है, 4 में आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और 1 सबनेट एक्स्ट्रा आएगा। एक रूल आपने याद रखना है यहां पे, ताकि आपकी ये जो परेशानी है ये कम हो जाए, किसी सबनेट में या नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस जरूरत से ज्यादा आ जाए ना, तो वो जाया होते हैं, ठीक है जी। यानी आप अगर उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे तो वो जाया होंगे, उनकी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अगर कभी कोई सबनेट एक्स्ट्रा आ जाए तो वो कोई परेशानी की बात नहीं है, यानी आपको 3 चाहिए थे तो 4 आ गए, ठीक है, 1 सबनेट एक्स्ट्रा है। वो जो एक्स्ट्रा सबनेट है ना, वो लेटर ऑन आपके या किसी दूसरे के काम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको 5 सबनेट चाहिए, तो 5 के लिए तो आपको 8 वाली कैटेगरी में जाना पड़ेगा ना, ठीक है। अच्छा, 5 के लिए भी 8 में जाना पड़ेगा, 6 के लिए भी 8 में, 7 के लिए भी 8 में, और 8 के लिए भी 8 में। यानी आपको 5 सबनेट चाहिए हो, 6 चाहिए हो, 7 चाहिए हो, या 8 चाहिए हो, आपको 2^3 वाली कैटेगरी में जाना पड़ेगा जिसमें 8 सबनेट निकलते हैं। तो 5 अगर चाहिए तो बाकी के 3 जो हैं वो आपके जाया नहीं होंगे, वो आपके या किसी और के काम आ जाएंगे बाद में, ठीक है।
तो ये ऐसा ही है, सबनेट हमेशा फालतू निकलते हैं लेकिन उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईपी फालतू आ जाए और ज्यादा फालतू आ जाए और वो इस्तेमाल ना हो रहे हो तो वो फिर गड़बड़ है, उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ जरूर सोचना चाहिए। अच्छा जी, तो स्टेप नंबर 4 से हमें ये पता लग गया है कि आप एक बिट स्मॉल एन इज 1, तो एक बिट आपको बढ़ानी है, ठीक है, और एक बिट आपको होस्ट से कम कर देनी है। नेटवर्क में एक बिट बढ़ेगी, होस्ट से एक बिट कम हो जाएगी, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड पे वापस आते हैं, तो वो स्मॉल एन जो था ना वो बेसिकली इधर एड हो जाता है और इधर से माइनस हो जाता है, तो ये 24 प्लस 1 होके 25 बन जाएगा, ठीक है जी। और ये होस्ट की जो 8 बिटें थी ये 8 माइनस 1 होके 7 रह जाएंगी, यानी नेटवर्क बिट्स 24 से 25 हो जाएंगी, होस्ट बिट्स जो है वो 8 से 7 रह जाएंगी। अच्छा, एक काम ना मैं अभी के अभी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, होस्ट बिट्स पता हो तो नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पर नेटवर्क, या अब हम पर सबनेट कहेंगे, तो वो पर सबनेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल। 2^7 -2 क्यों करना है, पहला कॉम्बिनेशन होस्ट बिट्स का नेटवर्क आईडी और आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, वो यहां पर भी ऐसा ही है। तो 2^7 इज 128 -2, तो ये हो जाएगा 126 यूजर्स पर सबनेट्स। भाई सबनेट्स कितने हैं आपके, दो, दोनों में कितने कितने आईपी होंगे, 126। टेक्निकली देखा जाए तो शुरू में ये क्लास सी का नेटवर्क था ना जिसमें 254 आईपी होते हैं, तो आपने वो 254 वाले एक नेटवर्क को 126 वाले दो में डिवाइड कर दिया, आपके पास 126 126 वाले दो छोटे सबनेट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब स्टेप नंबर 5 पे जाने से पहले ना एक काम करते हैं, मैं स्टेप नंबर 6 जो है वो पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। वो बड़ा आसान है क्योंकि अभी तक सब कुछ आसान चल रहा है, हर बात समझ आ रही है आपको, आप सब लोग साथ होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई भी मुश्किल पेश आई होगी, हर चीज या तो पहले ही पता थी या आपने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके उसको समझ लिया। स्टेप नंबर 6 भी बड़ा ही आसान है, उस पे पहले चले जाते हैं, 5 एंड पे करेंगे सबसे, ठीक है। 4 हो चुके हैं, ठीक है, मैं छठा स्टेप सबसे पहले यहां पे लिख देने लगा हूं, इससे भी आगे चले जाएं। स्टेप नंबर 6, आपने क्या कहा, नेटवर्क बिट्स जो हैं वो 25 हो गई हैं, अब हो जाएंगी जब आप एक ऐड कर देंगे उसमें, पहले 24 थी, तो नेटवर्क बिट्स या नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स या हम इसको प्रीफिक्स लेंथ भी लिखते हैं ना, प्रीफिक्स लेंथ, तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स या प्रीफिक्स लेंथ को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, और उसको क्या कहते हैं जी, सबनेट मास्क। अब आप नोट करें, आज से पहले आपकी प्रीफिक्स लेंथ /8 होती थी या /16 होती थी या /24 होती थी, तो उसी लिहाज से आपका सबनेट मास्क भी होता था, ठीक है। अब तो ये सबनेट मास्क वैसा नहीं होगा, यानी 255.0.0.0 क्लास ए का, 255.255.0.0 क्लास बी वाला, क्लास सी में 255.255.255.0, वो तो 8, 16 और 24 के लिए था, आज तो नेटवर्क की बिटें 25 हो गई हैं। इसके लिए तो अब आपको किसी और तरीके से सबनेट मास्क लिखना होगा ना, सबनेट मास्क तो चेंज हो जाएगा जी, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब सबनेट मास्क हम किस तरीके से लिखेंगे, और अब वाइल्ड कार्ड मास्क भी लिखा जा सकता है उसका, क्योंकि वो उसका इनवर्स होता है या उलट होता है, तो फिलहाल हम सबनेट मास्क लिखते हैं। सबनेट मास्क क्या होता है जी, जितनी नेटवर्क की बिट्स हैं उनको ऑन कर दें। तो कर लेते हैं ये, मैं बल्कि इधर आपके लिए टाइप कर देता हूं, ठीक है। तो ये हो गई 8, 16, 24 और अब 25, जितनी नेटवर्क की बिट्स हैं कंटिन्यूटी के साथ 1 कर देनी आपने, तो 25 अब मैंने यहां पे 1 लिख दी है। होस्ट की बिटें 7 हैं, उनको मैं कर दूंगा 0। अगर आप सबनेट मास्क लिख रहे हैं तो वो फिर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना हो तो उसको इन्वर्स कर दें, नेटवर्क बिट्स ऑफ कर दें, होस्ट बिट्स को ऑन कर दें। होस्ट की बिट चूंकि 7 है तो मैंने ऑन कर दिए। इनको अगर आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना तो वो भी लिख लें, 255.255.255.128, क्योंकि ये जो फोर्थ ऑक्टेट है ये किसकी बाइनरी है, 128 की बाइनरी है। सिमिलरली अगर आपने वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना है तो 0.0.0. फोर्थ ऑक्टेट इसका देखें, ये 127 की बाइनरी है। आप उसी तरह जिस तरह आपने सीखा है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आप करेंगे,
127 इसका जवाब आएगा, ठीक है। तो ये ऊपर सबनेट मास्क और नीचे वाइल्ड कार्ड मास्क है। अच्छा, अब ये है क्लास लेस का, ये अब क्लास ए बी सी का वाइल्ड कार्ड मास्क या सबनेट मास्क नहीं है, ये क्लास लेस का है। और याद रखिएगा, क्लास लेस के केस में जब आप सबनेट मास्क लिखते हैं, एक तो आप उसे क्लास लेस सबनेट मास्क भी कह सकते हैं, दूसरा इसको आमतौर पर कस्टम सबनेट मास्क कहा जाता है, कस्टम सबनेट मास्क, क्योंकि अब ये कस्टमाइज्ड हो गया ना, अब ये वो टिपिकल वो जो /8/16/24 वाला होता था, ये वो नहीं है, इट इज कस्टमाइज्ड, ठीक है। तो इसको कस्टम सबनेट मास्क भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जनाब मैंने स्टेप नंबर 6 भी लिख दी है, क्योंकि आपको पता है जहां भी आपने आईपी एड्रेस साइन करना होगा उसके साथ सबनेट मास्क तो आपको लिखना ही है, ठीक है। तो क्लास लेस आईपी एड्रेस के साथ जो सबनेट मास्क आप लिखेंगे वो ये वाला होगा, ठीक है जी। यानी आप वो जो दो सबनेट आपने करा, दो सबनेट बन जाएंगे, तो उन दो सबनेट्स के अंदर यानी ब्रांच ए और ब्रांच बी में जब यूजर्स को आईपी एड्रेस दिए जाएंगे तो उनके साथ ये वाला सबनेट मास्क लिखा जाएगा, ओके। अच्छा जी, अब रह गया सिर्फ एक स्टेप, मेरा नहीं ख्याल ये भी कोई इतना मुश्किल था, ठीक है। टोटल स्टेप्स मैंने कहा था 6 स्टेप्स की कैलकुलेशन है, जिनमें से मैंने आपको 5 करवा दी है, स्टेप नंबर 5 बाकी है, मैंने छठा पहले कर दिया, पांचवा और आखिरी स्टेप, ठीक है जी। तो चलें इस पे चलते हैं, स्टेप नंबर 5, और ये जो बाइनरी स्टेप नंबर 2 में हमारे पास आई थी, मैंने इसको अभी तक बचा के इसीलिए रखा हुआ है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने ना सिर्फ प्लानिंग की है, नेटवर्क की 1 बिट बढ़ा देंगे, होस्ट की 1 बिट्स कम हो जाएगी, तो वो कर भी दें आप, वो बढ़ती कैसे है, तो उसको बढ़ा लेते हैं, और होस्ट की 1 बिट कम कैसे होती है वो करके भी देख लेते हैं। अच्छा, उसके लिए दोबारा से मैं जरा हाईलाइट करता हूं, नेटवर्क बिट्स पहले कितनी थी, 24, ये ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ना, यहां तक थी। अब आपने क्या कहा है, होस्ट से 1 बिट कम कर दें और उसको नेटवर्क में ऐड कर दें, यानी नेटवर्क के पास बाहर से तो कोई बिट नहीं आनी, होस्ट से आपको 1 बिट लेके नेटवर्क को देनी है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर यह नहीं होता कि होस्ट की 8 बिटें जिस मर्जी पे हाथ रखो, जिस मर्जी के ऊपर उंगली रखो वो बिट आपकी हो जाएगी, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है। यानी किसी भी बिट को आप नेटवर्क में शामिल नहीं कर सकते, उसका एक तरीका है, और तरीका आपको पता है, नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट्स को लिखा जाता है कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखनी है भाई, नेटवर्क की पहली 24 बिटें थी ना, तो अब पहली 25 बिटें होंगी, यानी वो जो 1 बिट आपको इसमें शामिल करनी है होस्ट से लेके, वो कॉन्टिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए, 24वीं के बाद फौरन 25वीं बिट जो है वो आप नेटवर्क को दे देंगे। अच्छा, इस बिट को नेटवर्क को दे देने का ये मतलब नहीं है इसको उठा के आपने 7 वाले ऑक्टेट में पटक देना है, ठीक है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, वो बिट जिधर है उधर ही रहेगी भाई, आप उसको कह रहे हैं कि वो 25वीं बिट है, तो 25वीं बिट ने 25वां ही रहना है ना, कुछ और तो नहीं बन जाना, वो बिट यहीं रहेगी, इसी ऑक्टेट में रहेगी, अदरवाइज तो आपने बिटें इधर उधर करनी शुरू कर दी तो ऑक्टेट की डेफिनेशन खराब हो जाएगी, ये बिट यहीं रहेगी, बस इसका रोल चेंज हो जाएगा। यानी पहले समझे, वो होस्ट नाम की एक कंपनी में जॉब करती थी, अब उसने एक और कंपनी को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम नेटवर्क है, रहना उसने इधर ही है, जगह नहीं उसकी बदलेगी, ठीक है। और बाकी की जो अब कॉन्टिन्यूटी में जो रिमेनिंग आपकी बिट्स रह गई हैं वो अब आपकी होस्ट की बिट्स हैं, जो कि अब 7 हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी भी बिट को इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। बिट नंबर 25 का ना रोल बदल जाएगा बस, आप पहले यानी जब होस्ट बिट्स के लिए कॉम्बिनेशन बनते थे तो 8 बिटें पार्टिसिपेट करती थी, अब होस्ट बिट्स के लिए जब कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 7 बिटें पार्टिसिपेट करेंगी, ये 25वीं बिट उनमें शामिल नहीं होगी, हां बल्कि अब नेटवर्क के जब कॉम्बिनेशन बनेंगे तो 25वीं बिट नेटवर्क के लिए काम करेगी, नेटवर्क के लिए कॉम्बिनेशन बनाएगी, होस्ट वालों में शामिल नहीं होगी। अच्छा, अब एक बात बताएं, आप अगर कोई प्लॉट या जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं तो दिन को भी आप ही मालिक होते हैं, रात को भी आप मालिक होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 25वीं बिट अगर 0 है तो अब वो तब भी नेटवर्क की है, और अगर 1 है तो तब भी नेटवर्क की है। 1 बिट के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, 2। अगर 25वीं बिट, मैं दोनों कॉम्बिनेशन लिख रहा हूं यहां पे, .0, अगर 25वीं बिट 0 है तब भी वो नेटवर्क की है, अगर 25वीं बिट 1 है तब भी वो नेटवर्क की होगी, इसके दोनों कॉम्बिनेशन अब नेटवर्क के नाम हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपने पता क्या करना है, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन बनते थे ना वो मैंने लिख ली हैं, जो पुरानी नेटवर्क की 24 बिट्स थी भाई, उनके साथ तो आपने कुछ भी नहीं ना किया, ना करना है, उनको तो छेड़ने की भी जरूरत नहीं है, उनको यहां से उठाएं, पुरानी 24 बिट्स एक दफा इसके साथ लिख दें, ठीक है, और एक दफा इनको मैं
ये वन के साथ लिख देता हूं ऐसे, ठीक है। अच्छा मैं आपसे अगर पूछूं ना कि स्क्रीन पे इस वक्त आपको नीचे, अगर मैं ये एक को ए कह देते हैं एक को बी, स्क्रीन पे ना आपको 25 बिटें लिखी हुई नजर आ रही हैं और ये 25 बिटें अब नेटवर्क की हैं, पहले 24 थी अब। अच्छा आप पुरानी वाली 24 बिटों को अगर देखें तो आप कहेंगे एक ही चीज, अगर मैं सिर्फ 24 को कंसिडर करूं तो आप कहेंगे जी ऊपर और नीचे एक ही चीज दो दफा लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको कहूं नहीं आप 25 बिटें कंसिडर करें तो ऊपर वाली 25 बिटें और नीचे वाली 25 बिटें सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। और फर्क आ कहां पे रहा है? फर्क आ रहा है बिट नंबर 25 पे, 25वीं बिट ने ही फर्क डाला है, ठीक है जी। तो स्टेप 5 में मैंने किया क्या है, वो जो 25वीं बिट थी उसके जितने भी कॉम्बिनेशन, भाई दो कॉम्बिनेशन बनते थे, दोनों को लिखा और जो पुरानी 24 बिट्स थी दोनों को उनके साथ एक एक दफा लिख दिया, ठीक है। तो अब आपके पास जनाब नेटवर्क की 25 बिटें आ चुकी हैं, एक दफा जीरो के साथ और एक दफा वन के, यानी दो कॉम्बिनेशन बनते थे ना, तो एक दफा एक कॉम्बिनेशन और दूसरी दफा दूसरा कॉम्बिनेशन। तो आपके पास टेक्निकली दो नए सब नेटवर्क्स आ चुके हैं। अब प्रॉपर नेटवर्क आईडी की शक्ल देनी हो या सबनेट आईडी लिखनी हो, भाई पहले आप नेटवर्क आईडी कहते थे ना जब क्लास फुल था, अब आप सबनेट आईडी कहेंगे, ठीक है। तो सबनेट आईडी या नेटवर्क आईडी को प्रॉपरली लिखने का तरीकाकार क्या होता है, उसमें होस्ट बिट्स के साथ क्या किया जाता है, होस्ट बिट्स को हम जीरो कर देते हैं। होस्ट बिट्स कितनी है आपके पास, अब 7, तो उनको मैं आपके सामने ये जीरो कर देता हूं, ठीक है। होस्ट की 7 बिटे 0 और यहां पे भी होस्ट की 7 बिटे 0, फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स इज 0। तो जनाब ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स लिखा है, इसका मतलब है ये दोनों नेटवर्क आईडीज हैं, ठीक है, और बाइनरी में लिखी हुई है। और प्रॉपर बाइंड मतलब नेटवर्क आईडी को लिखने के लिए एंड पे आप फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं और उसके बाद नेटवर्क बिट्स मेंशन कर देते हैं या प्रीफिक्स लेंथ मेंशन कर देते हैं। आपकी ये व्हाइट कलर में जो नेटवर्क बिट्स हैं कितनी है, 25, तो जितनी प्रीफिक्स लेंथ है वो आप यहां पे लिख देंगे कि नेटवर्क की 25 बिटें हैं। आपके पास एक नेटवर्क से दो नए सब नेटवर्क्स आ चुके हैं, ठीक है जी, लेकिन फिलहाल बाइनरी में लिखे हुए इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें, पहले ए को कर लें फिर बी को कर लें, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, 1, ये मैं ए को कर रहा हूं तीनों ऑक्टेट्स को, 192.64.32. अच्छा फोर्थ ऑक्टेट, भाई कन्वर्जन करते हुए याद रखिएगा कन्वर्जन ऑक्टेट की ही होती है, कन्वर्जन करते हुए ये नहीं देखते कि इसमें नेटवर्क की बिटें ही हैं तो होस्ट के बिटें ही हैं, 8 बिटें सिर्फ आपने कंसिडर करनी है, उसमें कोई नेटवर्क कोई होस्ट नहीं होता। तो फोर्थ ऑक्टेट जो ऊपर लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करें, जवाब क्या आएगा, 0, लेकिन प्रीफिक्स लेंथ क्या आएगी, 25, ठीक है। अच्छा उसके बाद बी वाले को करें, 192.64.32. अब जरा इसका फोर्थ ऑक्टेट देखें और नेटवर्क और होस्ट को अलग अलग किए बगैर देखें, ठीक है, 8 बिटें कंसिडर करें, तो ये 128 की बाइनरी लिखी हुई है, 128/25। लें जी आपके पास दो नए सब नेटवर्क आ चुके हैं, ठीक है। एक था आपने उसके दो छोटे सबनेट्स बना दिए, ठीक है, एक आप ब्रांच ए को असाइन कर दीजिएगा, एक आप ब्रांच बी को असाइन कर दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क जहां से शुरू होता है वो नेटवर्क आईडी होती है और जहां एंड होता है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, याद है ना ये बात, ठीक है। तो आपने तो अभी सिर्फ नेटवर्क आईडीज लिखी हैं या सबनेट आईडीज लिखी हैं, इनकी ब्रॉडकास्ट आईडी कैसे आएगी? ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए याद है क्या करना पड़ता है, होस्ट बिट्स को ऑन कर देना पड़ता है जितनी भी हैं, ठीक है जी। तो आप इनको ऑन कर दें दोनों में, ए में भी और बी में भी, पहले ऑफ थी अब मैंने ऑन कर दिया, वन कर दिया, अब दोबारा कन्वर्ट कर लें, ये ऊपर अब बाइनरी में ना ब्रॉडकास्ट आईडीज लिखी हुई है इनकी, ठीक है। तो मैं इनको कन्वर्ट करके लिख देता हूं, 192.64.32. ये देखें जी, अब ये फोर्थ ऑक्टेट बाइनरी में इसको कन्वर्ट करें, ये 127 की बाइनरी लिखी हुई है और नीचे वाले में देखें 8 बिटें अब 1 हो चुकी हैं, एक तो 128 वाली बिट पहले ही 1 थी, बाकी आपने अब कर दी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 192.64.32.255, ठीक है भाई। ये नेटवर्क आईडी है और ये ब्रॉडकास्ट आईडी है, ये नेटवर्क आईडी है और ये ब्रॉडकास्ट आईडी है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला सबनेट है या ऊपर वाली जो नेटवर्क आईडी, इसका पहला आईपी क्या होगा, 32.1 और आखिरी क्या होगा, 32.126। नेटवर्क आईडी के फौरन बाद पहला आईपी होता है और ब्रॉडकास्ट आईडी से फौरन पहले आखिरी आईपी होता है।
अच्छा, ये जो बी वाला सबनेट है इसका पहला आईपी एड्रेस क्या होगा? 129 पहला आईपी है और 255 से एक पहले 254। भाई आप में से अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा ना, तो उसकी एक ही वजह हो सकती है, आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं पढ़े होंगे। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आके सबनेटिंग देखना शुरू कर देंगे, वो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको समझ आते। आपके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको ये समझ आएगी, ठीक है। जो लोग साथ साथ चल रहे हैं, जिन्होंने पहले 9 लेक्चर्स पढ़े हैं, आप अब ये 10वां लेक्चर पढ़ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल आपको ज्यादा कोई मुश्किल पेश आएगी, ठीक है। तो बहरहाल 129 पहला आईपी और 254 आपका आखिरी आईपी है दूसरे सबनेट का। अच्छा, अब क्या हुआ है अगर आप गौर करें तो मैं आपको जरा समझाता हूं। हुआ यह है कि शुरुआत हमने की थी यहां से, ये मैं साइट पे लिख रहा हूं, 192.64.32.0/24 वाला एक नेटवर्क था। इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी थी .255, जीरो से लेकर क्लास सी में जीरो से 255 होता है, ठीक है। इसमें आईपी कितने थे? 254, 1 से लेकर 254 तक ये आईपी थे। आपने ये जो 0 से 255 की रेंज थी ना, इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर आप ऊपर गौर से देखें, 0 से लेकर आप 127 तक और 128 से 255 तक, भाई वो जो एक ऑक्टेट था ना आपका आखिरी वाला, वो 0 से 255 तक था। आपने उसको दो हिस्सों में बराबर बराबर बांट दिया। आपने कहा 0 से 127 को एक बना देते हैं नेटवर्क या एक सबनेट, और 128 से 255 तक दूसरा। अब इस वक्त आप में से अक्सर लोग ये कहेंगे, पहले ये बता देते, 0 से 255 को कह रहे थे बस सेंटर निकाल दो, इसका दो हिस्सों में बांट दो, तो हम यही बताते 0 से 127 एक हो जाएगा हिस्सा और दूसरा 128 से 255 हो जाएगा। तो ये तो इतना लंबा चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अभी तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसे नहीं होगा, हमेशा ये इतना सिंपल नहीं होगा कि आप देख के कहें ये दो हिस्सों में ऐसे ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा। हमेशा होने वाला नहीं है, ठीक है जी। ये इस एग्जाम्पल में तो हो सकता था, यानी आप अगर ये जो प्रॉपर मेथड आपने सीखा है, अगर ये आपको समझ आ गया कि बिट्स के अंदर कहानी चल क्या रही है, फिर तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आपको दे दिया जाए, जो कि मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन, इतना मुश्किल तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, जो क्विज में करने के लिए आपको दूंगा। और वो करने के बाद डेफिनेटली मैंने आपको कहा था आपको कोई ना कोई इनाम भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए बैलेटिंग होगी, जो सिलेक्ट होगा उसको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो बहरहाल जी, तो ये मुश्किल से सिनेरियो भी आ जाए ना, तो अगर आप प्रॉपर बिट्स के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हो क्या रहा है, तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगी। इस वक्त ना बहुत सारे लोगों की जो हालत होती है वो ये होती है, आपको ना ये समझ आ गया होता है। सबनेटिंग ना एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं बदनामी जमाना किस्म का टॉपिक है, लोगों को ये मुश्किल लगता है। अक्सर लोग कहते हैं सबनेटिंग बड़ी मुश्किल है, बड़ी लोगों की जान जाती है इससे। जिन्होंने सुना होता है एक दूसरे से सबनेटिंग बड़ी मुश्किल है, तो उनको अगर समझ आ जाए तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है, ये तो बड़ी मुश्किल होती है सुना, ये तो मुझे समझ आ गई है, ठीक है। तो आपके शक को यकीन में बदलने का एक ही तरीका है कि इसकी कुछ एग्जाम्पल्स और करवाई जाए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल जो है वो मैं इसकी और कराता हूं, और बिल्कुल पैटर्न यही होगा, तरीकाकार यही होगा, इसी पैटर्न के ऊपर एक जो है वो हम सवाल और करते हैं, उसके बाद सबनेटिंग खत्म कोई नहीं हो रही, ठीक है। सबनेटिंग में अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत सारे अलग अलग तरह के सिनेरियोज हैं, अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके लिए थोड़ा टेक्निक या मेथड को भी बदलना पड़ता है। इंशाल्लाह वो मैं आपको आइंदा आने वाले लेक्चर्स में सिखाऊंगा, लेकिन ये जो आप दूसरा सवाल में करवाने लगा ना, इसके बाद एक क्वेश्चन तो मैं आपको दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, और एक सवाल फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मुलाकात होगी आपसे तो मैं आपको एक क्विज दूंगा, ठीक है। और वो फिर आप, और उसके लिए टाइम दे दूंगा, 2 दिन का टाइम दे दूंगा। उसमें फिर आप लोग मैं मुझे ईमेल कीजिएगा, ईमेल आईडी मैं अपनी शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप लोग मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है। और फिर जितने लोगों का ठीक जवाब होगा, एक तो मैं उन सब का नाम शामिल करूंगा जी कि इस बंदे ने ठीक जवाब दिया है, और उनमें फिर हम बैलेट कर लेंगे, जो 2 लोग उस बैलेट में विन करेंगे तो उनको जो है वो कोई ना कोई गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट क्या होगा ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो चलें जी, एक सवाल और करते हैं इसी पैटर्न के ऊपर, इसी से मिलता जुलता ही क्वेश्चन होगा, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट बदल लेते हैं। रिक्वायरमेंट ना आप जरा कोई डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। स्टेप नंबर 1, बेस नेटवर्क आईडी गिवन होती है ना, तो बेस नेटवर्क आईडी आपकी अब की बार ये है 172.16.0.0/16,
ये बेस नेटवर्क आईडी ऑब्वियस है, क्लास बी से मैंने ये नेटवर्क पिक कर लिया। अच्छा, कैपिटल एन इज 4, भाई मुझे 4 सबनेट चाहिए। इस एक बेस नेटवर्क आईडी को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, इस एक बेस नेटवर्क आईडी को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। अगेन मैं आपको बता देता हूं, मैं वो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना भी करूं ना, मैं डायरेक्ट भी आंसर लिख सकता हूं, ठीक है जी, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो थोड़ा मैथ्स में तेज है, ठीक है, आपको इन नंबर्स की अगर गेम समझ आ गई है तो लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई शॉर्टकट पर जाने की जरूरत नहीं, प्रॉपर मेथड फॉलो करें, ठीक है जी, क्योंकि हर दफा हिसाब किताब जो है ना वो इस तरह जुबानी नहीं होना, ठीक है। तो कैपिटल एन इज 4, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सबनेट्स 4 है, मुझे 4 सबनेट्स चाहिए छोटे साइज के। ये एक बड़े साइज का नेटवर्क है, इसमें आईपी एड्रेसेस जो है वो 65,534 है, मुझे इस रेंज को, इन एड्रेसेस को 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है, ठीक है जी, तो कर लेते हैं। वैसे अगर आप गौर करें तो स्टेप नंबर 4, 1 के बाद डायरेक्ट 4 जो है ना, मैं इधर के इधर ही सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है, वो कैसे, 2^n इज इक्वल्स टू कैपिटल एन होता है, और कैपिटल एन आपको गिवन है क्या जी, 4, ठीक है, ये आ गया 4, 2 की पावर में क्या रखूं, स्मॉल एन क्या रखूं कि जवाब 4 आए, 2 की पावर 2 रखेंगे तो जवाब 4 आ जाएगा, ठीक है जी, यानी नंबर ऑफ बिट्स फॉर सबनेटिंग या इंक्रीमेंट वैल्यू इन नेटवर्क पोर्शन एंड डिक्रीमेंट इन होस्ट, वो 2 बिट्स का है, यानी आपको ये जो नेटवर्क की 16 बिटें नजर आ रही हैं इसमें 2 ऐड कर देना और होस्ट की 2 बिटें ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, तो चौथा स्टेप भी इधर ही हो गया, टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, 2 तो हो गए। अच्छा, स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं जी, ये जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है इसको बाइनरी में लिखते हैं, ठीक है, तो 172 की बाइनरी क्या होती है, 172 के लिए मुझे 128 चाहिए, मुझे 64 नहीं चाहिए, मुझे 32 चाहिए, 160 हो गया जी, 12 और चाहिए, 16 नहीं चाहिए, 8 और 4 12 होता है, 2 भी नहीं और 1 की भी जरूरत नहीं है, 16 कैसे लिखेंगे जी, 0001, 16 वाली बिट ऑन कर दें, बाकी आप सारी ऑफ रहने दें, आगे तो दोनों ऑक्टेट्स में थर्ड और फोर्थ में देखें 0 ही है, तो ये 0 लिख देते हैं यहां पे, ये लें जनाब, ये सारे के सारे आपके जीरोज आ गए, और अगेन पहले की तरह इसको जरा संभाल के रख लेते हैं क्योंकि इसने स्टेप नंबर 5 में हमारे बहुत काम आना है, ये मैंने संभाल लिया जी स्टेप नंबर 5 के लिए, और वापस आ जाते हैं। स्टेप नंबर 3 है बहुत इजी, लेकिन इजी लेना नहीं आपने, मार्किंग ऑफ नेटवर्क इन होस्ट पोर्शन, इस वक्त नेटवर्क की बिटें कितनी और इस वक्त होस्ट की बिटें कितनी है, भाई ये लिखा हुआ है ऊपर 16, नेटवर्क की बिटें इस वक्त 16 हैं, निशान लगा दें इन पे, वो 16 कौन सी हैं, वो 16 बिटें पहली 16 बिटें ही होंगी, और होस्ट की बिटें इस वक्त कितनी है, होस्ट की बिटें जी वो भी 16 ही हैं, और वो आखिरी 16 बिटें होंगी कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक, और नेटवर्क बिट्स यहां लिख देते हैं, नेटवर्क बिट्स इस वक्त 16 हैं, होस्ट बिट्स भी इस वक्त 16 हैं, यहां पे एक नंबर प्लस होना है और उसी नंबर ने यहां माइनस होना है, वो नंबर आपको ऑलरेडी पता है कि वो 2 है, स्मॉल एन की वैल्यू 2 निकली हुई है, भाई ये लिखा हुआ है 2, ठीक है, यही वाला 2 जो है ना उसने इधर आके ऐड हो जाना है और इसी वाले ने यहां से आके इधर माइनस हो जाना है, ठीक है, तो यहां पे प्लस 2 हो जाएगा, यहां से माइनस 2 हो जाएगा, नेटवर्क बिट्स हो जाएंगी 16 प्लस 2 18, होस्ट बिट्स रह जाएंगी 14। जब होस्ट बिट्स निकल आए ना तो आप एक काम कर सकते हैं, वो फॉर्मूला अप्लाई करें 2^14 -2 लाजमी करना है यहां पे, पहला नेटवर्क आखिरी ब्रॉडकास्ट, तो मुझे ना इत्तेफाक से 2^14 वो याद है क्योंकि क्लास बी में नेटवर्क्स के लिए 14 बिटें निकली थी ना, तो 16384 जवाब आता है, माइनस 2 करेंगे तो 16382 यूजर्स पर नेटवर्क नहीं पर सबनेट, भाई अब तो सबनेट हो गया ना, नेटवर्क तो पहले था, तोड़ के सबनेट बन जाएगा, बड़ा सीधा सा हिसाब है भाई, 65,534 वाला एक था, आपने 16382 वाले 4 में डिवाइड कर दिए, एक सबनेट में इतने हैं, ठीक है, और इस तरह के कितने सबनेट हैं आपके पास, 4, उस रेंज को आपने 4 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड कर दिए, ठीक है, तो कोई इतना मुश्किल हिसाब नहीं है भाई, कितने स्टेप्स हो गए, 4 इस पेज के ऊपर 4 स्टेप्स हो चुके हैं, बट छठा भी इसके ऊपर कर देते हैं, वो छठे में आपने क्या लिखना होता है, कस्टम सबनेट मास्क, कस्टम सबनेट मास्क, ये वो वाला सबनेट मास्क का होता है वो जो बिट्स बढ़ाने के बाद आता है, ठीक है जी, कस्टम सबनेट मास्क, पहले 16 बिटें थी अब 18 हो गई है ना, तो /18 आपकी प्रीफिक्स लेंथ होगी जब सबनेट 4 बन जाएंगे,
तो 18 का कैसे सबनेट मास्क लिखेंगे भाई, फर्स्ट 18 बिट्स को आप 1 कर दें, ये जी आपकी 16 बिटें हो गई, 17 और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और आखिरी पूरा ऑक्टेट भी आपने कर देना है 0। ले जी ये बाइनरी में आपके पास कस्टम सबनेट मास्क आ गया, इसको डेसिमल में लिख लें 255 डॉट 255 डॉट, ये थर्ड ऑक्टेट में 192 की बाइनरी लिखी हुई है 192 और फोर्थ ऑक्टेट गया जी 0, तो ये 0 आ गया। ये आपका छठा स्टेप भी सॉल्व हो गया कस्टम सबनेट मास्क। टोटल 6 स्टेप होते हैं, 5 हो गए ठीक है जी, छठा पहले कर लिया है, इजी था। यानी उन चारों सबनेट्स में यूजर्स को जब आप आईपी देंगे ठीक है, तो उनके साथ सबनेट मास्क क्या लिखेंगे चारों में, यही भाई चारों का प्रीफिक्स लेंथ चारों की सेम है तो सबनेट मास्क भी सेम होगा ना, तो उसको चार दफा लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही दफा लिखेंगे आप। नहीं जी पांचवें स्टेप पे आ जाए, ये जो सारी प्लानिंग चल रही है अभी तक, नेटवर्क की बिटे बढ़ा देंगे, 2 बढ़ जाएंगी वो 16 से 18 हो जाएंगी, होस्ट की 16 से 14 रह जाएंगी, ये तो प्लानिंग है, तो अब कर गुजरे कर दें वो 16 से उनको 18 कर दें, वो करना कैसे है बड़ा आसान है। ये जी ये थी वो 16 बिटें, एक सेकेंड, ये पहली 16 बिटें नेटवर्क की थी, इसमें आपने कहा 2 बिटें होस्ट से बढ़ानी है, मैंने आपको पहले बताया वो 2 बिटें कोई सी भी 2 बिटें नहीं हो सकती, मर्जी नहीं है कि जिस पे आत रखोगे वो आपकी, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी बरकरार रखने के लिए आपको 16 के बाद 17वीं और 18वीं बिट को ही शामिल करना पड़ेगा, ये वाली वो 2 बिट्स हैं जिनको आप होस्ट से उठा के नेटवर्क में ऐड कर देंगे, कोई सी और नहीं हो सकती, यही वाली 2 होंगी ठीक है। और ये 2 बिट्स है ना, तो 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन कितने होते हैं, 2 बिट्स के कॉम्बिनेशन 4 होते हैं, और वो क्या होते हैं भाई, देखो हर चीज काम आएगी, कन्वर्जन भी काम आ रही है डेसिमल और बाइनरी की, वो कॉम्बिनेशन बनाना भी काम आ रहा है, हर चीज की इंपॉर्टेंस है ठीक है। तो चलें जरा इसको लिख लें, पहला कॉम्बिनेशन तो इसका यही बनना है जो ऊपर भी लिखा हुआ है 00, दोनों बिट 0, अगला कॉम्बिनेशन 1011, उससे अगला कॉम्बिनेशन 1110, उससे अगला कॉम्बिनेशन आखिरी दोनों बिटें हो सकता है 1 हो, ये आपके नए 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब चूंकि आपने ना ये बेसिकली 17वीं और 18वीं बिट नेटवर्क को दे दी है, उससे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनने हैं वो अब नेटवर्क के ही होंगे, तो वो 4 बनने हैं अब, ये चारों नेटवर्क के हैं ठीक है। अच्छा वो जो आपकी पुरानी बिट्स थी 16, उनके साथ तो कुछ भी नहीं ना हुआ, उनके साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया, उनको उठाएं और बारी बारी इन सब के साथ आप इनको चिपका दें, 1 2 3, ये इसके साथ भी, इसके साथ भी और ये इसके साथ। अच्छा ये ग्रीन और व्हाइट कलर में, ग्रीन आपकी पुरानी वाली नेटवर्क बिट्स हैं, व्हाइट कलर में जो 2 नई ऐड की हैं वो शामिल हो गए, तो ये टोटल आप देखें तो ये 18 नेटवर्क की बिट्स हैं ठीक है। एक आप वो सबनेट ए, एक सबनेट बी, एक सबनेट सी और एक सबनेट डी, एक एक ब्रांच को दे दें, दूसरी दूसरी को, तीसरी तीसरी को, या जहां पर भी आपको ये 4 सबनेट चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अब होस्ट की बिटें कितनी बची, 14। भाई अगर तो नेटवर्क आईडी लिखनी है तो होस्ट बिट्स का फर्स्ट कॉम्बिनेशन होता है जो कि जीरोज होता है, तो आप होस्ट बिट्स को कर देंगे 0। मैं ब्लू कलर यूज कर लेता हूं, अब मैं 14 जीरोज लिखूंगा इनके आगे, और यहां पे कोई डंडी फिलहाल नहीं मारनी के मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये 0 है ठीक है। इनको लिखना है प्रॉपरली, जब बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद फिर जो मर्जी करते रहिएगा, फिलहाल आप इसको प्रॉपरली लिखें तो ही बेहतर है। तो ये मैंने होस्ट की जितनी बिट्स थी वो इनके सामने लिख दी हैं। अच्छा ये ब्लू कलर में होस्ट बिट्स हैं और बाकी आपके पास नेटवर्क का पोर्शन है, 18 बिटें आपकी नेटवर्क की हैं। अच्छा बाइनरी में आपके पास प्रॉपर 4 सबनेट जो है वो आ चुके हैं, इनके आगे अगर आप प्रीफिक्स लेंथ मेंशन करना चाहें तो बिल्कुल आप इस तरह से /18/18/18 लिख सकते हैं, और इनको आपने अगर डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप बिल्कुल करें। और इसमें आप गौर करें कि सिर्फ थर्ड ऑक्टेट ऐसा ऑक्टेट है जिसमें चेंजेस आ रही हैं, बाकी सेम है, इनको जरा ध्यान से लिख लीजिएगा, ए बी सी और डी, बारी बारी मैं इनको लिख देता हूं भाई, 172. ये ए को कन्वर्ट कर रहा हूं 16.0.0/18 ठीक है। अब बी को कन्वर्ट कर रहा हूं 172.16. ये इसका थर्ड ऑक्टेट देखें, ये 64 है, तो 64.0/18। सी को कन्वर्ट करें अब 172.16. ये किस चीज की बाइनरी है जी, 128 और ये .0/18।
अच्छा जी, डी को कन्वर्ट करें तो 172 डॉट 16 डॉट, ये थर्ड ऑक्टेट देखें, ये 192 की बाइनरी है, 192.0/18। नहीं जी, ये आपके चार सबनेट्स आ गए। ठीक है, सबनेट या नेटवर्क शुरू तो नेटवर्क आईडी से होता है, लेकिन खत्म कहां पे जाके होता है? ब्रॉडकास्ट आईडी पे। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए क्या करना पड़ता है, जितनी भी होस्ट बिट्स है ना आपके पास, उनको आप वन कर दें। ठीक है, ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए होस्ट बिट्स हमारे पास 14 है, लास्ट कॉम्बिनेशन ऑफ होस्ट बिट्स होता है ना, तो ये जी मैं इनको वन कर देता हूँ। अगेन दिल तो बड़ा चाहेगा कि इनको अज्यूम कर लेंगे, ये जो जीरोज हैं ये वन है, लेकिन आपने अज्यूम नहीं करना, इसमें कुछ सेकंड्स लग जाएंगे। ठीक है, वो आप लगा लें फिलहाल और इनको लिख लें। ठीक है, आपसे गलती नहीं होगी। तो ये मैंने इन सारी बिट्स को ऑफ, पहले ऑफ थी अब ऑन कर दिया। ठीक है, अब दोबारा कन्वर्जन कर लें। अब ये ब्रॉडकास्ट आईडी लिखी हुई है ऊपर, तो अगेन थर्ड ऑक्टेट इज इंपॉर्टेंट, चेंजेस उसमें आ रही हैं। फोर्थ ऑक्टेट ना आप देखें थ्रू आउट वन है, तो जब थ्रू आउट वन होता है ना, तो आपको पता है इसका आंसर 255 आता है, तो फोर्थ ऑक्टेट में थ्रू आउट 255 ही रहना है। पहले दो ऑक्टेट्स में 172.16 रहना है, चेंजेस थर्ड ऑक्टेट में आएंगी। तो जरा ए को कन्वर्ट करें तो 172.16, भाई ये 63 की बाइनरी है, .255 172.16. ये जनाब आपका ये 127 लिखा हुआ है, 127.255। उसके बाद 172.16. अब ये थर्ड ऑक्टेट देखें, ये 191 की बाइनरी है, .255। इसी तरीके से ये एंड पे देखें तो 172.16। अब आखिरी वाले का थर्ड ऑक्टेट भी सारा ऑल वन्स है, तो इसका जवाब 255.255 आता है। आप इसमें एक ट्रिक है, अगर पैटर्न नोट करें तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। लेट से ये देखें, ये नेटवर्क आईडी है ना, ये वाली, ये ए था, ये बी, ये सी और ये डी। नेटवर्क आईडी से पहले यानी पिछला नेटवर्क जो है वो जहां खत्म होता है ना, अगला नेटवर्क वहां से शुरू होता है। ये देखें, ये 63 पे खत्म हो रहा था ना, तो ये 64 से शुरू हो रहा है। तो ये 64 अगर इसकी नेटवर्क आईडी थी, तो ये 63 इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। ठीक है, 128 अगर इसकी नेटवर्क आईडी है ना, तो ये खत्म 127 पे हो रहा होगा। 192 अगर इसकी नेटवर्क आईडी है ना, तो ये खत्म 191 पे हो रहा था। ठीक है, और एंड जो है वो 255 पे ही होना है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगले वाली नेटवर्क आईडी देखें, उससे पिछला नंबर आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा प्रीवियस सबनेट का। ठीक है, अदरवाइज सीधी सीधी बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करें, आपके पास आंसर ठीक आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब चार सबनेट्स आ चुके हैं। ठीक है, इनमें पहला आईपी और आखिरी आईपी क्या होगा वो भी अभी देख लेते हैं। और हर एक के अंदर कितने कितने आईपी एड्रेसेस हैं, 16,382 या 16,382 आईपी एड्रेसेस होंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, सबके अंदर इतने इतने होंगे। अच्छा, अब ए का पहला आईपी क्या है, 172.16.0.1, और आखिरी क्या है, 172.16.63.254। तो बी का पहला आईपी क्या है, 172.16.64.1, और आखिरी 172.16.127.254। सी का पहला 172.16.128.1, और आखिरी 172.16.191.254। डी का पहला आईपी 172.16.192.1, और आखिरी 172.16.255.254। ठीक है, तो ये इनके पहले और आखिरी आईपी एड्रेसेस हैं। ठीक है जी, बस ये छह स्टेप्स की कैलकुलेशन कंप्लीट हो गई है। आपके पास चार सबनेट भी आ गए हैं, उनकी ब्रॉडकास्ट आईडी भी आ गई है, कस्टम सबनेट मास्क भी आ गया है, हर सबनेट का साइज कितना कितना है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है। अगेन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको ये समझ आता जाएगा। जितना बिट्स को सोचेंगे, इनके साथ खेलेंगे आप, उतना ही आप फिर ऐसा वक्त बहुत जल्द आ जाएगा कि आप जबानी भी कैलकुलेशंस बड़ी आसानी के साथ कर सकेंगे। इतनी जल्दी ये नहीं होता। ठीक है, आप प्रॉपर इस फेज से गुजरें, इनको इसी तरीके से कैलकुलेट करें, फिर खुद ब खुद जो है वो वक्त के साथ साथ आप इनको जबानी भी सॉल्व करना शुरू कर देंगे। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको सॉल्व कीजिएगा, और ये कोई आपका टेस्ट या क्विज नहीं है। ठीक है, क्विज आपका अगले लेक्चर के अंदर होगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन मैं क्विज में दूंगा उसका फिर लेटर ऑन सोल्यूशन भी मैं आपको समझाऊंगा, और उसकी बेस पे फिर सबनेटिंग का बाकी पोर्शन जो है वो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे आपकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल दे रहा हूँ, वक्त मिले तो जरूर ट्राई कीजिएगा, आसान से ही सवाल है। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 1 तो मैं आपको दे रहा हूँ, वो गिवन है आपके लिए। ठीक है, और स्टेप 4 भी गिवन ही होगा।
बेस नेटवर्क आईडी है आपके लिए 8.0.0.0/8। भाई अब ये क्लास ए का एक नेटवर्क है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने इसको डिवाइड करना है, इसके सब नेटवर्क्स बनाने, और सब नेटवर्क स्ट्रेट आपने 8 बनाने। मैं 7 भी कहता तो 8 ही बनने थे, 6 पे भी 8 ही बनने थे। तो आप इसके ना जी 8 सबनेट जो है वो बनाए। स्टेप नंबर 4 में आपको पता है एक फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेते हैं, 2^n = N, N = 8। इसके लिए 2^3 करना पड़ेगा, यानी नेटवर्क में 3 बिटे बढ़ाने से और होस्ट से 3 बिटे कम करने से आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो 8 सबनेट बनाए, 8ों की ब्रॉडकास्ट आईडी उनके सामने लिखें और उनका जो कस्टम सबनेट मास्क है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।